ये थोड़ा लाउड म्यूज़िक है, क्या करें, आज एकदम व्लॉगिंग करने का प्लान तो था नहीं, जस्ट एक रैंडमली हम लोग जिमीज बर्गर आए हैं और वो भी मेरे छोटे भाई की तरफ से ट्रीट मिल रहा है हम लोगों को, तो मैं सोचा था चलो ये एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ जिमीज बर्गर का इंटीरियर, लिटिल ऑफ विट बट रियल इंटरेस्टिंग। और ये पॉम बताइए, हर जगह पे रहते मेरे साथ। दिस इज आवर ब्रदर। After a long time, he has again come to visit us. Usne kal birthday kiya, so we had a blast yesterday. But we couldn't record because we were so busy. अभी बर्गर का वेट कर रहा हूँ, बर्गर आ जाए उसके बाद दिखा। अभी कहीं नहीं टेबल में, बस हाँ एक चीज़ दिखा सकता हूँ कि अभी ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मेन्यूज नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे मोबाइल में मेन्यू मिल रहा है, एक QR कोड है टेबल में, तो QR कोड दिखाओ मैडम। तो ये QR कोड आपको स्कैन करना पड़ेगा। जिमीज बर्गर, जिसे आप जानते हो हाउस ऑफ जॉब ब्रेकर के नाम से। तो एक दिन जिमी भाई को लगा कि वो ये 9 to 5 जॉब के लिए बने ही नहीं है, तो इसीलिए 2013 में वो अपना बर्गर कार्ट चालू कर दिए और आज ये एक सक्सेसफुल ब्रांड है। मुंबई के 4 मेजर लोकेशन पे ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसका इंटीरियर्स काफी अपीलिंग है, एक रगेड कैजुअल डाइन अमेरिकन रेस्टोरेंट की तरह। इनका ये स्टाइल काफी मजेदार लगा तो मैंने शूट कर लिया। ये रहा हमारे बेवरेज, हमने ऑर्डर किया था मोहितो और लेमन आइस टी। इस बीच हमारे मस्ती चलते रहा और ये देखो मैडम को हर चीज में हक जमाना है, खुद का भी ड्रिंक्स पिएगी, मेरा भी ड्रिंक्स पिएगी। मजाक है क्या? कुछ तो शर्म कर ले भुक्कर, सॉरी माई मिस्टेक, भुक्कर नहीं पियक्कर। तो मैं भी कहाँ छोड़ने वाला था, एक बड़ा सा सिप मैं भी घटक लिया उनके ड्रिंक से। स्टार्टर में हम लोगों ने बेकन चीज चिकन विंग्स ऑर्डर दिए थे, इसमें काफ़ी सारा मोजरेला चीज़ था और बेकन स्ट्रिप्स था चिकन विंग्स के साथ, और यह पूरा चीज़ को बारबेक्यू सॉस के साथ टॉस किया गया था। खाने में सीरियसली बहुत ही अच्छा था, पर बारबेक्यू सॉस का यूज़ से डिश में एक स्वीटनेस आती है। फाइनली हम लोगों का क्लासिक डबल पैटेड बर्गर्स आ गए। हमने डबल पैटेड पोर्क बर्गर और डबल पैटेड टेंडरलॉइन बर्गर्स ऑर्डर किए थे। इस बर्गर का स्पेशलिटी यह है कि इसका जो पैटी है वो काफ़ी जूसी है। आप अगर टेस्ट ना करो तो आपको अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि यह कितना जूसी हो सकता है। इसी बर्गर को खाने में मेरा जॉ ब्रेक हो जा रहा था, पता नहीं लोग जॉ ब्रेकर कैसे खा लेते हैं, बट एनीवेज किसी दिन वो भी ट्राई करूँगा। बट कुछ भी हो जाए प्राइसेस काफ़ी रिजनेबल है, तो आप कभी भी हैंग आउट के नाम से यहाँ पे आके एक गेट टुगेदर या तो पार्टी थ्रो ही कर सकते हो। और अभी मैं चला इसका फर्स्ट बाइट लेने। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। स्मार्ट वॉच में वर्कआउट का तो कुछ डेटा दिखता नहीं है, सिर्फ कैलोरी गेन करता है। एक्चुअली स्मार्ट वॉच खराब नहीं है, मेरा आदत खराब है, वर्कआउट नहीं करता हूँ, सोचते रहता हूँ। ऐसे वर्कआउट तो मैं सीरियसली कहीं पर नहीं खाया, ना हॉट डॉग का पनीर खाया, ना दूसरे कोई बर्गर, मतलब बर्गर चार्ज खाना खाया। इतना जूसी बर्गर है ना, पैटी में जैसे कि भर भर के जूस भरा है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वाशिका जिमीज बर्गर ज़रूर विजिट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको उसका खाना कैसे लगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।